हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आपके पास ये एरर आ रहा है फेल टू ज्वाइन गेम सेशन, तो इस एरर को आप कैसे इजीली रिमूव कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। दोस्तों, बहुत सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। और हमारे इस चैनल पर मैं यूट्यूब के शॉर्ट वीडियोस भी जो है अपलोड करता हूँ, टेक से रिलेटेड शॉर्ट वीडियोस जो है अपलोड करता हूँ, तो आप जो है शॉर्ट वीडियोस भी जो है हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको स्टीम एप्लीकेशन ओपन करना है आपके विंडोज़ पीसी में। ओके, तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, मैं स्टीम एप्लीकेशन को ओपन किया हूं। उसके बाद आपको यहां पर लाइब्रेरी के टैब में आना है। फिर आपको यहां पर जितने भी आपने गेम्स डाउनलोड किए थे आपको यहां पर शो हो जाएंगे। उसके बाद आपको जो भी गेम में ये एरर आ रहा है तो आप जो है उस गेम को सेलेक्ट कीजिए। जैसे कि अभी यहाँ पर मैं फ़िलहाल इस गेम को जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, उसके बाद आपको राइट क्लिक कर यहाँ पर प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर लोकल फाइल्स के ऊपर क्लिक कर वेरीफाई इंटीग्रिटी ऑफ गेम्स फाइल, तो आपको जो है इस पर क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अपडेट हो रहा है, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए। ओके, उसके बाद दोस्तों आपको जो है स्टीम एप्लीकेशन को क्लोज कर देना है। फिर दोस्तों आपको जो है विंडोज़ 11 के सर्च बार में टाइप करना है विंडोज़ सिक्योरिटी। ओके, तो उसके बाद आपको इसको क्लिक कर ओपन कर देना है। फिर आपको यहाँ पर ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है आप इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है यहाँ पर मैनेज सेटिंग के ऊपर क्लिक कर यहाँ पर आपको जो है इन सारे ऑप्शन को आपको डिसेबल कर देना है इस तरीके से। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास ये सारे ऑप्शन डिसेबल है, तो आप भी जो है यहाँ पर से इसको डिसेबल कीजिए। ओके, उसके बाद आपको इस सेटिंग को क्लोज कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको विंडोज 11 के सर्च बार में टाइप करना है कंट्रोल पैनल। फिर आपको इसको क्लिक कर ओपन कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप जो है यहाँ पर चेंज अडाप्टर सेटिंग पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर वाईफाई नेटवर्क सेलेक्ट कीजिए। आप जो भी वाईफाई नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको सेलेक्ट कीजिए। ओके, उसके बाद आपको इसको राइट क्लिक कर प्रॉपर्टी पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर देना है, यूज़ द फॉलोइंग DNS सर्वर। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रीफर्ड DNS सर्वर में इस तरीके से आपको टाइप कर देना है। फिर आपको यहाँ पर अल्टरनेट DNS सर्वर में आपको इस तरीके से टाइप कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर ओके के ऊपर क्लिक कीजिए। ये ऑल सेटिंग्स को आपको क्लोज कर देना है। उसके बाद आप अपने PC या लैपटॉप को एक बार रीस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इजीली ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।